नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कन्हान के अस्पताल में चार के मौतों से परिजनों ने की तोड़फोड़, धरने पर ममता, अच्छा रहेगा मॉनसून। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कन्हान के अस्पताल में चार की मौतों से परिजनों ने की तोड़फोड़। मृतकों के रिश्तेदारों के अनुसार अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से मरीजों की मौत हुई है, जबकि अस्पतालों के डॉक्टरों ने बताया कि यह सबकी मरीज नागपुर में अन्य अस्पतालों में जगह नहीं मिलने की वजह से गंभीर हालत में यहाँ लाए गए थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी। फिलहाल इस कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की व्यवस्था तो है, पर वेंटिलेटर सहित अन्य कई अत्यावश्यक सुविधा का अभाव है। जेएन अस्पताल में कई तोड़फोड़ के खिलाफ अस्पताल में सुरक्षा कर्मी ने कन्हान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। जेएन अस्पताल में चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही वेकोली नागपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक आभास सिंह, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, कामटी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक तलवनकर, वेकोली नागपुर क्षेत्र के कार्मिक प्रबंधक सिन्हा, HMS वकीली अध्यक्ष शिव कुमार यादव, कांद्री के उप सरपंच बाबुल बुरवे, इंटक के नागपुर क्षेत्र के अध्यक्ष नरेश बरवे आदि ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। तो वही दूसरी ओर धरने पर ममता। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की लगाई गई पाबंदी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मंगलवार को धरने पर बैठी। ममता बनर्जी तय समय से पहले ही कोलकाता के गांधी मूर्ति स्थान पर पहुंच गई थी। उस वक्त उनके साथ सिर्फ उनके सुरक्षा कर्मी ही मौजूद थे। ममता बनर्जी पर लगाया यह बैन सोमवार रात 8 बजे से लागू है। वह धरना स्थल पर ही व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। इन्होंने इस दौरान विरोध स्वरूप पेंटिंग भी बनाई। तो वही तीसरी ओर अच्छा रहेगा मॉनसून। मौसम पूर्वानुमान और कृषि रिस्क सॉल्यूशन के क्षेत्र की आगामी भारतीय कंपनी स्काईमेन ने 2021 के लिए मॉनसून पूर्वानुमान जारी किया है। पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत से स्काईमेन से CEO योगेश पाटिल ने बताया कि मॉनसून पूर्वानुमान के अनुसार 4 महीनों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की औसत वर्षा 8,806 मिमी की तुलना में 2021 में 103% बारिश की संभावना है। इसमें 5% कम या अधिक बरसात हो सकती है। स्काईमेट के अनुसार मुंबई के समय से 1-2 दिन पहले या बाद में मॉनसून दस्तक दे देगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS News Live पर। नमस्कार।